एक महीना से हम घर नहीं आए और आपको लगता है हम आपको याद नहीं करते? बहुत याद करते हैं, बहुत प्रिया। इसको याद नहीं उबासी बोलते हैं जो तुमको आ रहा है धर्मपत्नी। सभी पुलिस विभाग का यही हाल है पतिदेव। कोविड महामारी के चलते सब 24 घंटा से ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, दिन रात सुबह शाम लोगों की मदद के लिए। दो दो महीना से सब अपने घर नहीं गए, आपको पता है। कोई भी अपने बारे में नहीं सोच रहा, तो फिर हम कैसे अपने बारे में सोच सकते हैं। वैसे भी कंटामिनेंट जोन की वजह से हमें एक नई जगह पर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ बहुत पेंडिंग काम पड़े हैं और आप कह रहे हैं आराम कीजिए। अरे तो हम कब मना कर रहे हैं भाई, जो कर रही हो करो, बहुत अच्छा काम कर रही हो, पर अपने सेहत का भी तो ख्याल रखो ना। रखते हैं पतिदेव, रखते हैं ख्याल। आप भी अपना ख्याल रखिए, आप टेंशन मत लीजिए। और मैडम सर के आने का टाइम हो गया, चले करते हैं आपको फोन, ठीक है? अरे अरे सुनो सुनो, बात तो सुनो। अब कहा? वो फोन रखने से पहले एक बार वो बोलो ना, आई लव यू बोलो ना। कहा आप भी? अच्छा बोलते हैं, आई लव यू। ये आवाज को क्या हुआ तुम्हारी भाई? नहीं नहीं, हमारा आवाज इतना गंदा नहीं है। ये चीता हमारे सामने उंगलियां रहा है, बकर बकर करता रहता है नींदों में। अरे तुम उसको छोड़ो ना यार, तुम बोलो ना आई लव यू, जल्दी से बोलो ना आई लव यू। ठीक है, अब रखते हैं। आई लव यू। तुम्हारी मैया की सासू मैया। कौन है मैडम? तुमको किस चीज का पैसा मिलता है? यहाँ बैठ के ये सपनों में बात करने का पैसा मिलता है, इश्क के चोट लड़ाने का पैसा मिलता है, या फिर काम करने का पैसा मिलता है? क्या करें मैडम, लेकिन सपना बड़ा हम सबका जोर थोड़ी है। मुंह पे चिपके जो अब तोड़ी ना, वो किसी मुजरिम का हड्डी नहीं, बल्कि हमारा प्यारा सा भोला सा क्यूट सा सपना था। हमारे सपना में ना इसे सनन सनन सन हवा चल रहा था। उसी हवा में ना संतू जी अपना जुल्फ ऐसे लहराते हुए प्यार से चलते हुए हमारी तरफ आई थी। हमारे पास आकर ना इसे एकदम भोलेपन से ऐसे खड़ी थी, और हम भी संतू जी के बगल में खड़े थे, इसे एकदम गदगदाए हुए बावले से संतू जी को ना इसे अपना गला में भर लिए, उनके कंधा पर ऐसे झुक गए और बोले कि हम संतू जी चुड़ैल चुड़ैल है। चुड़ैल नहीं है, संतू है, भूल गए उसको, नींद में चलने का बीमारी है। एक सेकंड पुष्पक, संतू सो जाइए, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। क्या भुट्टा खाना आपको सुबह सुबह? थूक देंगी, थूक देंगी, पीछे भागी। जल गया, बवाल कर देंगे, छुपाइए 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 इसको, छुपा छुपा छुपाइए। नींद पूरा ना होने की वजह से ना बेध्यानी में ऐसा हो जाता है, सॉरी। नींद हमारी भी पूरी नहीं हुई है चीते, हम भी लगातार ड्यूटी कर रहे इतने दिनों से, हमसे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी। बताओ किसका नींद पूरा नहीं हुआ है? पुष्पा जी का। अच्छा तो वो कौन है जो हर दो घंटे बाद दो घंटे के लिए रेस्ट रूम में जाके ऐसे पसर जाता है, वो कौन है? तमीज से बात कीजिए, आप शायद भूल रही है हम सास हैं आपकी। नहीं नहीं, हमको याद है आप हमारी सास हैं, लेकिन वो घर पर, यही तो दिक्कत है ना। एक मिनट, अभी थके हारे हालत में ना मैडम सर यहाँ पर आती होंगी, आप लोग ऐसे लड़ते हुए देखेंगे क्या सोचेंगी, प्लीज मत लड़िए। मैडम सर आने वाली है, हमको यूनिफॉर्म पहनना ड्यूटी का, हट के पुष्पा जी। हाँ हाँ, इन्हें यूनिफॉर्म पहना, हमारा दुपट्टा जला दिया। पुष्पा जी वहाँ से मुड़ी, उसको वहाँ पे भाई। हाँ, तो कोशिश कर रहे हैं। कभी संतू के टेबल जैसे ना हमारा टेबल भी सजाओ। पुष्पा जी लाइए लाइए। क्या है ये? मैडम सर आंखें खोलिए। मैडम सर आंखें, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? पुष्पा जी, हाँ हाँ हम ही हैं, आप आइए, ये बाहर आइए। आइए मैडम सर, आइए आराम से।
आप कब आई नाइट ड्यूटी से? बस अभी थोड़ी देर पहले। तनी कैसे हमारी आंख लग गई। वो तो होगा ही ना मैडम सर, आपकी नींद कहाँ पूरी हो रही है, इतनी तो दिन रात ड्यूटी कर रही हैं। हमारी बात मानिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। पुष्पा जी, यहाँ सबको आराम की जरूरत है, सबकी हालत खराब है। नहीं नहीं मैडम सर, आप प्लीज आराम कीजिए, आप थोड़ी देर सो जाइए, आपकी सेहत पे असर पड़ सकता है। चीता तुम फटाक से ना अदरक वाला कड़क चाय बोल दो मैडम सर के लिए। हाँ, जहर का प्याला पिलाता था बदनाम हुआ, लेकिन पिलाता तो था, अब हमको जाना पड़ेगा चाय बोलने के लिए, कहाँ करें। रुको 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 चीता, एक मिनट रुक जाओ। देखिए करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि हम सब थके हुए हैं, लेकिन बहुत काम है, खास करके अब जब ये थाना यहाँ शिफ्ट हो चुका है तो और भी जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी है, हम आराम नहीं कर सकते। इनफैक्ट चीता, तुम चाय ले ही आओ, हम चाय पीकर थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। जाओ। ठीक मैडम, ठीक। पुष्पा जी, वो जो रिपोर्ट थी उसके बारे में हमने आपसे। अरे संतु, ओ मैडम से कोई बात नहीं, अब शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, बहुत लोगों को बीमारी होती नींद में चलने की। मतलब आप नींद में चल रही थी तभी तो आप मुझसे टकराई ना। हाँ संतु, हम नींद में चल रहे थे, थैंक यू हमें जगा दिया। वैसे एक बात बताऊं, मैं भी कभी कभी नींद में चलती हूँ। संतु जी, नहीं सच में? हाँ, बस आपकी तरह से टकराती नहीं हूँ। ये गर्मी बहुत ज्यादा। मैडम सर, आप चलिए। हाँ चलिए, ये तो खैर चलता ही रहेगा। आप कौन है? मैडम सर, हम देखते हैं। वो देख लेंगे, आप चलिए ना। डेल्टा वन रिपोर्टिंग। करिश्मा सिंह, क्या हुआ, आप कहाँ जा रही हैं? मैडम नहीं, मैडम सर, आप आराम कीजिए, आपको आराम का सख्त जरूरत है, हम सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन आपको किससे बात हुई, आप कहाँ जा रही हैं, बताइए। मैडम सर, हम संभाल लेंगे, आप हम पे भरोसा रखिए। करिश्मा सिंह, बात भरोसे की। मैडम, हे भगवान, पता नहीं अब कौन सा नया झमेला खड़ा करने वाली। एक तो इनकी नींद पूरी नहीं हुई है मैडम सर, वैसे भी वो पगलाई हुई है, पता नहीं क्या सुन लिया वायरलेस पे, कुछ अनर्थ ना हो जाए। पुष्पा जी, अब वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, चलिए। नहीं नहीं नहीं, आप बगल वाली सीट पे बैठिए, गाड़ी हम चला लेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। ठीक है, आप चलाइए गाड़ी। संतोष शर्मा, हमें करिश्मा सिंह की लोकेशन बताते रहना, ठीक है? जी मैडम सर। चलिए। मैडम से सीधा चलते रहिए। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, पीछे का दरवाजा खोलो, सुनाई नहीं दे रहा है? पीछे का दरवाजा खोलो, नहीं तो अभी तुमको खोल देंगे यहाँ पे, समझे? क्या कहे हम तुमको, इंसान कहे या हैवान कहे, बताओ हमको, क्योंकि इंसान ना कभी ऐसा हरकत नहीं करेगा, और अगर हैवान होता तो वो तुमसे घटिया और बुरा नहीं होता। इंसानों की सांसें छीनने का जो तुमने ये नीच हरकत किया ना, इसके लिए हम तुम्हें क्या करें, जमीन में गाड़ दे या फिर आसमान में पहुंचा दे, बताओ हमको, बताओ। कहाँ ये बीच में टेम्पो खड़ा करके रखा है? एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, करिश्मा सिंह की बाइक। भाई साहब, ये मैडम कहाँ गई? ये रही करिश्मा सिंह।
यहाँ क्या कर रही है? जरा बताने की जहमत उठाएंगे आप? मैडम सर, वायरलेस पे ऑक्सीजन सिलेंडर का काला बाजारी का टिप मिला था हमें। शक था कि इस टेम्पो में अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर गैर कानूनी तरीके से ब्लैक में बेचने के लिए लेके जाए जा रहे हैं। हमने टेम्पो का पीछा किया, टेम्पो को जब्त कर लिया। और टेम्पो ड्राइवर कहाँ है? वो इंसानियत का दुश्मन, इंसान की जिंदगी का सौदा करने वाले को क्या होना चाहिए था ना मैडम सर, हमने उसको वहाँ पहुँचा दिया। हाँ, लेकिन कहाँ? ऊपर। करिश्मा सिंह, ये क्या कह रही हैं आप? एक पुलिस ऑफिसर होकर ऐसा काम कैसे कर सकती हैं? आपने एक आदमी को मार दिया। आप जानती भी हैं अब क्या होगा? हम आपके बारे में जो शुरुआत से सोचते आए ना, वही सही। आप एक इर्रिस्पॉन्सिबल, इमैच्योर, एरोगेंट पुलिस ऑफिसर हैं जो अपनी इस डंडे की फिलॉसफी को प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, कानून तोड़ भी सकती है, कि इंसान को मार सकती है। देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अब हम खुद आपके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। और ऐसी मैडम सर, मैडम सर क्या है पुष्पा जी? वो ऊपर तो देखिए। बचाओ 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 बचाओ, छोड़ दो मैम, बचाओ। हम जानते हैं मैडम सर, हम कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन आप पे अपना भरोसा कभी नहीं बना पाएंगे। बचाओ, बचाओ, बचाओ। लेकिन हम भी ना, बचपन से हमारा बहुत सीरियस प्रॉब्लम रहा है कि हम बहुत जिद्दी हैं, तो ठान लेते हैं वो करते रहते हैं। इसलिए एक दिन बहुत जल्द हम आपको ये प्रूफ करके रहेंगे कि हम भी एक जिम्मेदार पुलिसकर्मी हैं और कानून का उतना ही सम्मान करते जितना आप करते हैं। करिश्मा सिंह, देखिए आप सही कह रही हैं, हमने गुस्से में आपको कुछ ज्यादा ही कह दिया। आई एम रियली सॉरी। आप एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं और हमें आप पर पूरा भरोसा है, ठीक है? I'm sorry. मुझे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए मैडम, मेरा हाथ छूट रहा है मैडम, मेरा हाथ छूट रहा है मैडम। सुनिए तो, आपने उसे हवा में उड़ा तो दिया, आप उसे नीचे कैसे उतारेंगी? मजा आ गया मैडम, क्या सबक सिखाया आपने इस बदमाश को, इसीलिए आपके महिला थाने का नाम इतना फेमस है। बढ़िया मैडम, बहुत ही बढ़िया। आपके हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये काम हमने अकेले नहीं किया, हमारी पूरी टीम ने हमारा साथ दिया है, खासकर एक इंसान ने जिसकी वजह से आज ये क्राइम होने से पहले रुक पाया, और वो है हमारे थाने की SI करिश्मा सिंह। मैडम सर, मैडम सर, आप दोनों चश्मे लगाइए ना, क्या है ड्यूटी की वजह से नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो आँख के नीचे वो डार्क सर्कल्स है ना, छुप जाएंगे। शिव जी, इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे, नजर ना लगे इन दोनों को। हसीना मैडम, हसीना का लग रही है? मतलब का लग रही है? नॉर्मली तो लग रही है जैसे लगती हैं।
और आपका मैडम आपका फोटो नहीं छपा, ले ये लोग आपका फोटो काट दिया, मतलब जो असल में केस सॉल्व किया उसी का फोटो काट दिया। अरे तो बहुत गलत है भाई, बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन ये बात भी सही है मैडम, क्या है कि फिल्म में तो एक ही तो हीरो होता है ना, और यहाँ की हीरोइन तू है, मतलब थाना की इंचार्ज तो वही है ना। हाँ अगर ये थाना की इंचार्ज आप होती तो आज आपका भी फोटो लगा होता है यहाँ पर, आप क्या कर सकते हैं। मैडम आपके लिए लेटर आया। हमारे लिए लेटर आया इस पते पे, कौन भेजा? क्या पता कुछ अच्छा ही होगा। हाँ दिखाओ। हम पढ़ते हैं ना। एक मिनट पुष्पा जी, हमारा लेटर है तो पहले हम पढ़ लेंगे। तुम पढ़ो। मैडम हमको हमको नहीं पढ़ना था, जबरदस्ती पढ़वा रही है मैडम। जय मैडम सर। जय हिंद। क्या हो रहा है यहाँ पर? वो क्या है, करिश्मा जी के लिए खत आया ना, तो वो पढ़ लीजिए। हमारा है मैडम सर, हमारे लिए आया। सरकारी खत है करिश्मा सिंह। कहा है मैडम सर, क्या लिखा है लेटर में? आपका ट्रांसफर लेटर है। आपको बुलबुल पांडे के थाने में ट्रांसफर किया जाता है एज अ स्टेशन इंचार्ज। ये अचानक ट्रांसफर कैसे? बुलबुल पांडे हॉस्पिटलाइज्ड है। हमको मैडम जैसा उसका हरकत है ना, हमको पूरा यकीन है कोई बहुत मारा होगा उसको। नहीं नहीं चीते, वो बहुत ज्यादा अपना दिमाग चलाते हैं ना, तो शायद ब्रेन ट्यूमर हो गया होगा। उफ़, ये तबीयत खराब होने की वजह से बुलबुल पांडे हॉस्पिटलाइज्ड है, और उन्हें रिकवर होने में शायद थोड़ा वक्त लग जाए, इसलिए तब तक के लिए आप वहां जाएंगी वहां की इंचार्ज बन के। कब लेना है करिश्मा मैडम को चार्ज? आज ही। हाँ इसमें लिखा है कि जैसे ये लेटर आपको मिले वैसे ही आप ड्यूटी ज्वाइन करें। जी देखिए सर, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करिए, हम भी यहाँ बहुत अंडरस्टाफ्ड हैं और बहुत ओवरवर्क्ड हैं। करिश्मा सिंह अगर अभी यहाँ से चली गई तो हम कैसे मैनेज करेंगे सर, हम बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आप प्लीज कुछ भी करिए और करिश्मा सिंह का ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करवाइए। का समस्या का है मैडम सर का? का ही नहीं चाहती कि हम भी स्वतंत्र रूप से कोई थाना संभाले और साबित करे कि हम भी अकेला थाना चलाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। मतलब इनको अब भी यही लगता है कि हम अकेले थाना चलाने में सक्षम नहीं है। जी सर आप ठीक कह रहे हैं, हम आपकी परेशानी भी समझते हैं। जी सर ठीक है सर, फिर हम फोन रखते हैं। जय। क्या हुआ, क्या कहा डीएसपी सर ने? वही जो लेटर में लिखा है पुष्पा जी, हर जगह यही हाल है, महामारी की वजह से सारे पुलिस स्टेशन अंडरस्टाफ्ड हैं। कुछ दिनों के लिए हमें करिश्मा सिंह को बुलबुल पांडे के थाने भेजना ही होगा, सरकारी ऑर्डर है। अब ऑर्डर है तो क्या कर सकते हैं ना, सरकारी आदेश का अवहेलना तो हम नहीं कर सकते हैं, वैसे भी कुछ दिनों का बात है, वापस तो हमको यहीं आना है। अब ठीक है तो फिर यही सही, हम पैकिंग करते अपना जाके। जय। ये मासूमियत है? अरे हम जंग पे थोड़ी जा रहे हैं शहीद होने संतु, बगल वाला थाना में जा रहे हैं, जब तुमको हमारी याद आए तुम भागी चली आना, टोपा वाला चेहरा लेके हमको मत भेजो भी यहाँ से। ठीक करो अपने चेहरे को, ये रोंडरी शक्ल हमको नहीं चाहिए। हंसो हंसो और हंसो और हंसो और थोड़ा और, ये हुई ना बात, जब भी मन करे मिलने आ जाना। चीता अनजाने में सही, लेकिन तुमने बहुत पते का बात बोल दिया, तुमको पता है? तुमने सही बोला, हीरो एक ही होता है, दूसरा जितना मर्जी मेहनत कर ले जितना भी कोशिश कर ले वो साइड हीरो ही रह जाता है। बहुत हो गया ये साइड हीरो का रोल, अब हम भी हीरो बनेंगे और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ना सिर्फ हम आएंगे।
आ गए आपके पास। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा पुष्पा जी, आप काहे उदास हो रही हैं? नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि कुछ दिनों के लिए ही सही बला तो टली। खाइए मजे से आपके गोलगप्पे, चाट मसाले और आपके ये छोला भटूरे, सब भर भर के, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। हजम भी तो होना चाहिए ना, आपसे बिना लड़े खाना पचता कहाँ है हमें। अरे हम जहाज के पंछी हैं, जाएंगे भी तो वापस जहाज में ही आएंगे ना, लौट के घर ही आएंगे ना। फिर निकाल लीजिएगा जितना भड़ास निकालना होगा आपको हम पर, ठीक है? तब तक आप ध्यान रखिए और ये गोलगप्पे वाला चेहरा अपना ठीक कीजिए। आप मुस्कुराइए थोड़ा, हमको नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे जाना, आप सब ऐसे उदास। और फिर देखिए, वहां जाके अपना जो दिमाग है ना, जो हमेशा गर्म रहता है, उसे ठंडा रखिए। हम ठंडा ही रहते हैं। और अपनी सेहत सुनती भी नहीं हमारी बात। करिश्मा सिंह, आपको बहुत मिस करेंगे, अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट, जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद मैडम सर। मैडम मैडम, आपके विदाई के लिए पर्सनली हमारी तरफ से एक तो सरप्राइज है। आइए मैडम, आइए। चलिए। आइए आइए मैडम। ऐसा क्या, आइए आइए, क्या हो गया भाई? अच्छा है ना? बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। चलते हैं। करिश्मा सिंह, हम आपको छोड़ दें? नहीं मैडम सर, हम चले जाएंगे। वैसे भी जिंदगी में एक टाइम आने के बाद इंसान अपना रास्ता खुद ही बनाता है, और हमें लग रहा है हमारा वो टाइम आ गया जब हम अपना रास्ता खुद बनाएं। आपके भरोसे कब तक कटेगी? करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरा थाना आपको अकेले संभालना है, और आप नहीं संभाल पाएंगे, ठीक से नहीं कर पाएंगे, यही ना? नहीं, हम ये नहीं कहने वाले थे। हम ये कह रहे हैं कि और आपको अगर कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कीजिएगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। जरूरत तो आपको भी माना पड़ेगा मैडम सर, आप हमें याद कीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। आप जैसा ना सही, लेकिन आपसे कम भी नहीं। बिल्कुल। जय हिंद। हे भोलेनाथ, हमें आसार ठीक नहीं लग रहे हैं, ये खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही है। भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। पता नहीं हमें क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है।